वैशेषिक दर्शन की 53वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के छठे अध्याय का प्रथम अनेक हमने पीछे पूरा किया था, उसके विषय में शंका समाधान भी हुई। आज हम द्वितीय अनेक को प्रारंभ करेंगे, लेकिन पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ पूजनीय आचार्य जी, ये पृष्ठ 80 पर सूत्र संख्या 9 का जो भाष्य है उसकी आखिरी पंक्ति में अहिंसकस्य भोजन प्रतिग्रहे न दोषो अपि पितु सुफलम एव, तो ये अहिंसक से भोजन लेने में सुफल क्या होगा? देने में तो समझ में आता है, लेकिन लेने में क्या सुफल होगा? वैसे तो ये इन्होंने पूरी पंक्ति जो लिखी है ना, अहिंसा जन्य भोजने, अहिंसकाय भोजन प्रदाने, अहिंसकस्य भोजन प्रतिग्रहे, तीन बातें हैं। इन तीनों से जोड़ते हुए है कि इसमें दोष नहीं अपितु तो शुभ फल ही होता है। तो इनका कहना प्रश्न है कि भाई दिया अहिंसक को, तब तो दिया तो दान का शुभ फल हो जाएगा, शुद्ध चीज दी किसी को तो भी अच्छा फल हो जाएगा, लेकिन अहिंसक से लेने में क्या शुभ फल होगा? तो प्रश्न इनका इसलिए है कि ये आपको बताया गया था कि हम कुछ भी लेते हैं तो उसमें हमारा कर्माशय क्षीण होगा, इसलिए इनको लगता है कि कर्माशय क्षीण होना यानी कोई अशुभ फल है, ऐसा मन में भाव आ जाता है। अशुभ तो नहीं है वो, कर्माशय तो जो क्षीण होना है होना ही है। शुभ फल क्या है कि जब हम धार्मिकों से, अहिंसकों से संपर्क रखेंगे, उनसे समभिव्यहार करेंगे, तो वैसा वैसा हमारे को लाभ मिलेगा। जैसे कि हिंसक से समभिव्यहार में दोष की बात है, ऐसे अहिंसक से समभिव्यहार में, उससे लेन देन में हमारे को शुभ फल होता है, अच्छा लगता है, उनके संस्कार आते हैं, उनसे व्यवहार हमारा होता है, हम भी अच्छे बनते हैं, ये सब लाभ होंगे। एक, मन के अंदर संकोच नहीं रहता है, नहीं तो मन में रहता है कि मैंने पता नहीं किससे धन ले लिया, ठीक है या नहीं है। ईमानदार से लेते हैं तो मन में, अहिंसक से लेते हैं तो मन में संतोष रहता है, उसमें द्वंद्व नहीं होता कि पता नहीं क्या होगा, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ऐसे बहुत सारे द्वंद्व जो रहते हैं। तो अच्छे से लिया है तो संस्कार शुभ पढ़ेंगे, इस दृष्टि से लेना चाहिए, उससे हमारा कोई कर्माशय बने इस रूप में सीधे सीधे नहीं देख सकते। हाँ अगर हम इसको और थोड़ा खोल करके देखें तो शुभ फल उस दृष्टि से देखा जा सकता है। ये हर व्यक्ति के लिए नहीं लगेगा, कुछ के लिए लगेगा, जो श्रेष्ठ है उनके लिए लगेगा। यदि वो अहिंसक से ही धन ले रहे हैं, कुछ भी सेवा ले रहे हैं, यानी धार्मिक से ही ले रहे हैं, अधार्मिकों से नहीं ले रहे हैं, तो जो उसको चाहते होंगे, लेने वाले की कह रहा हूं, उसकी स्थिति अच्छी है। मान लो स्वामी दयानंद जी का उदाहरण ले लें कि वो अहिंसक से ही लेते, अहिंसक से ही मान लो ले रहे हों, वो कहे कि ये व्रत जिसने पालन किए हैं हम, मैं उसी से लूंगा, तो जिनके पास, जो वैसे तो चाहते हैं स्वामी दयानंद जी को, लेकिन उन व्रतों का पालन नहीं कर रहे जैसा वो कहते हैं, तो उनको चूंकि हमें खिलाना है, अपने घर पे बुलाना है, तो हम फिर वैसा बनेंगे। हमारी तो इच्छा है कि वो आए हमारे घर, हमारा भोजन ग्रहण करें, तो उनकी शर्त के अनुसार हमें वैसा बनना होगा। तो उनके नियम के कारण से अहिंसक से ही वो लेंगे, ऐसा नियम होने पर कोई भी जब ऐसा लेगा, श्रेष्ठ व्यक्ति की बात है, जो छोटा होगा उसको तो कोई क्या परवाह करेगा। छोटा व्यक्ति अगर कहेगा नहीं मैं अहिंसक से ही लूंगा, तो दूसरे कहेंगे मत लो, क्योंकि जो देने वाला है उसके मन में ऐसा तो आग्रह नहीं है कि मैं इन्हीं को दूं,
उसको क्या लगाव है, लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति ये बात करता है तो देने वाले इस लालसा में कि मुझे इनको देना है, ये मेरा स्वीकार कर लेंगे, ऐसा करके वो अहिंसक बनेगा, धार्मिक बनेगा, उस व्रत का पालन करेगा। तो ऐसे में जिसने ये व्रत लिया है कि मैं अहिंसक से ही लूंगा, तो ऐसा करते हुए वो दूसरों को अहिंसक और धार्मिक बनने में प्रेरित कर रहा है, निमित्त बन रहा है, तो इसका एक ही शुभ कार्य हो गया। तो अहिंसक से लेने में उसको शुभ फल भी मिलेगा, ऐसे लाभदायक हो जाएगा। ठीक है, हाँ आचार्य जी, दान के संदर्भ में जो आपने पांच बातें बताई थी कि इन पांच चीजों का दान दिया जा सकता है, धन, समय, विद्या, सेवा और सुरक्षा, इसमें विद्या और समय के विषय में बताइए, क्या इन पर भी वही क्रम जो हमने पीछे धन के दान के संबंध में पढ़ा था वैसे ही लगेगा या कुछ और उसमें होगा? देखिए, वैसे तो मैंने जो ये पांच बताए, एक ऐसा नहीं कि पांच का ही होता है, इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन ये एक मोटे मोटे जो मन में आते हैं कि भाई इस तरीके से हम देते हैं। ये पांच मैंने अलग अलग इसलिए गिना दिए थे कि नहीं तो हम धन को ही मुख्य मान करके चलते हैं, धन या वस्तुएं, भोजन, ये जो स्थूल पदार्थ हैं उनको देने का, और अथवा विद्या को देने का, नहीं तो हम स्थूल पदार्थों को देने तक इन चीज़ों को, इन सूत्रों को लगाते हैं। इसलिए मैंने अन्य चीज़ें भी गिना दी थी कि हम इस तरह भी तो किसी को कुछ देते हैं, हम समय दे रहे हैं, हम सेवा दे रहे हैं, हम सुरक्षा दे रहे हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं ये भी, इसमें भी दिया ही जाता है दूसरे को, और विद्या का दान तो प्रसिद्ध है ही। तो आपने पूछा कि इसमें विद्या और काल, इन दो में भी यही नियम लगेगा क्या? तो समय में तो लगना ही है, हम अपना समय किसी को देना चाहते हैं और अलग अलग स्तर के व्यक्ति हैं और हम एक ही को दे सकते हैं, एक घंटा है हमारे पास, तो उसमें जो अच्छे से अच्छा है उसको देना चाहिए, श्रेष्ठ है उसको पहले देना चाहिए। देने के अंदर हाँ होता है ना, हम श्रेष्ठ को, विशिष्ट को देना है, वो नहीं है तो सम को या मध्यम को, और नहीं है तो निम्न धार्मिक को भी, किसी को भी देना है, वहाँ क्रम लगेगा। और लेने में भी बिल्कुल लग जाएगा कि यदि हमें किसी का एक घंटा लेना है तो बजाय किसी विशिष्ट श्रेष्ठ व्यक्ति का लेने के, हम एक घंटा किसी सामान्य व्यक्ति का ले लें। ठीक है, मान लो महर्षि दयानंद होते, अब उन्होंने आर्ष पद्धति का प्रचलन किया, अब कोई जा करके उनसे पूछे, जबकि और भी विद्वान होते, बोले जी वृद्धि राधा इसका अर्थ बताइए, तो वृद्धि राधा इस तो कोई भी बता देगा, उसके लिए स्वामी दयानंद जी के पास जाने की क्या जरूरत है, उनका समय लगाने की क्यों जरूरत है, उनको कह जी मेरे को ये बताइए कि राम का षष्ठी विभक्ति में क्या रूप राम का षष्ठी विभक्ति में इसमें क्या रूप बनता है, इसमें विसर्ग लगते हैं नहीं लगते है? अब ऐसी ऐसी बातें कोई स्वामी दयानंद जी से पूछे तो वो प्रासंगिक नहीं है, पूछ तो सकता है वो, और समय भी ले लेगा, जब समय ले लेगा तो उसका कर्माशय अधिक घटेगा, जितने बड़े से लेगा उतना उसका कर्माशय अधिक घटेगा, इसलिए छोटी बात के लिए बड़े के पास नहीं जाना चाहिए। जैसे कि चिकित्सा करानी हो, अपना तापमान नपवाना हो थर्मामीटर में, हम नाप नहीं सकते, या हमारा ब्लड प्रेशर देखना हो, तो उसके लिए सुपर स्पेशलिस्ट, विशिष्ट विशेषज्ञ के पास जाने की जरूरत नहीं है, रक्तचाप नापवाना है थर्मामीटर से, तो चलो तापमान तो कोई भी देख लेता है, लेकिन ब्लड प्रेशर का, ब्लड प्रेशर भी आजकल ऑटोमेटिक मशीनें आ गई, लेकिन फिर भी हमारे को जाना है तो बहुत विशेषज्ञ के पास जाके देख तो वो भी सकता है, पर जाएंगे तो उसकी 500-1000 रुपये शुल्क लगेगा। एक सामान्य चिकित्सक के पास जाते हैं, वो रक्तचाप नापने के 25 या 50 रुपये ही ले लेगा, कंपाउंडर देखेगा तो वो 10 रुपए में भी देख रहे, जैसे वजन तोलते हैं ऐसे एक एक दो दो रुपए में, ऐसे 10-10 रुपए में ब्लड प्रेशर भी देखा जाता है, ब्लड प्रेशर नापने के रहते हैं, जिसको नपाना है नपा लो, जितने पैसे दे दो। तो विशिष्ट के पास में, विशिष्ट का अगर हम समय ले रहे हैं वो उससे बचना चाहिए, ये वैदिक रीति है। सबसे पहले योग्यों में से सबसे कम जो योग्य है वहां से काम चलता हो तो वहां से हमारे को चलाना चाहिए, नहीं तो सब विशेषज्ञ के पास ही पहुंचेंगे, फिर विशेषज्ञ विशेषज्ञ काम कब कैसे करेगा? अब पीएचडी किया हुआ व्यक्ति, ऊंचा महाविद्यालय में पढ़ाने वाला व्यक्ति अ आ ई पढ़ाने लगे तो उसकी उपयोगिता कम होगी ना, और हम जाके उससे कहें कि भाई आप ये पढ़ाओ हमारे यहाँ पर, है बात छोटी सी लेकिन उस वो समाज के लिए अधिक उपयोगी हो सकता है, अधिक ऊंचे कार्य कर सकता है। ऊंचे कार्य करने वाले तो कम होते हैं, सामान्य काम करने वाले बहुत होते हैं। तो ऐसे में हम जब किसी का भी समय लेते हैं
तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जितने में हमारा काम चल जाए, कम से कम योग्य व्यक्ति में से हमारे को पहले करवाना चाहिए। उपलब्ध नहीं है तो एक अलग बात है, अपवाद के तो समय में तो ये पूरी तरह घट जाएगा। विद्या के अंदर ये समस्या है कि विद्या जब हम देते हैं तो विद्या देने, विद्या हम विशिष्ट को तो देने की बात नहीं है, मतलब हमारे से जो योग्य है शिक्षा के अंदर हम उसको क्या सिखाएंगे। लेकिन अगर हम इसको देने में भी देखें, हम जिस भी स्तर पर हैं, हम के कोई चीज पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं विद्या। अब जो पढ़ने वाले हैं उन पढ़ने वालों में हम अंतर कर सकते हैं विद्यार्थियों में, कि उसमें भी अलग अलग स्तर हो सकते हैं। तो हमारे को पहले किन को देनी चाहिए विद्या, हमें किन को देनी चाहिए, जो विद्या ग्रहण करने आ रहे हैं उसमें हीन सम और विशिष्ट का हम ग्रहण कर सकते हैं, और उसमें अच्छे से अच्छे को देनी चाहिए। जिसके के लिए मैंने उसमें योग दर्शन का भी उदाहरण दिया था कि पहले समाधि पाद रखा गया, फिर मध्यम अधिकारियों के लिए कहा गया, फिर प्राथमिक अधिकारियों के लिए कहा गया। उल्टा लगता है हमारे को, लेकिन ऋषियों की शैली यह है कि जो आए हैं हम जितनों को पढ़ा सकते हैं, जितनों को समय दे सकते हैं, जिनकी शंका समाधान कर सकते हैं, किसी से बातचीत करनी है, तो उनमें से उनमें जो योग्य व्यक्ति होता है, जो अधिक योग्य होता है, उसको हमें पहले देना चाहिए। क्योंकि उसकी अगर समस्या थोड़ी सी भी सुलझ गई तो चूंकि वो अधिक योग्य है तो वो समाज में अधिक काम कर जाएगा। हमने सामान्य व्यक्ति को भी वही बात बताई, उससे समाज का अधिक उपकार नहीं होगा, वो कई गुना बढ़ जाता है, गुणित हो जाता है। जैसे कि हमें बीज बोना हो तो हम पहले अच्छी भूमि में ही बोएंगे, जहाँ की अधिक उपजाऊ होता है, अधिक अन्न आ सकता है, अधिक अच्छा फल आ सकता है, वहां हम बोते हैं। ये बुद्धिमत्ता है, बिल्कुल ऐसा कैसा ही। जैसे महर्षि दयानंद भी करते थे, विशेष लोगों के पास जाते थे, विशेष लोगों को समय देते थे, कारण कि इनको अगर समझा दिया तो फिर बहुत अधिक परिवर्तन आ सकता है। बड़ों को पकड़ना होता है, श्रेष्ठों को पकड़ना होता है, बौद्धिक व्यक्तियों को, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको उनको हमने कर दिया, उनको हमने समझा दिया, तो न जाने कितनों को बोलते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, लेख लिखते हैं, परिचर्चाओं में भाग लेते हैं, वहां सब वो चीजें चली जाएंगी। और उतनी मेहनत नीचे वाले को की है हमने, पहले तो वो समझेगा देरी से, नीचे वाला वो जल्दी भी समझ लेगा ऊपर वाला, और उसका लाभ कई गुना अधिक होगा। इसलिए अगर हमें कुछ देना है, विद्या भी देनी है, तो जो पढ़ने वाले हैं उनमें श्रेष्ठ को देनी चाहिए, फिर उसको, फिर उससे कम को देनी चाहिए। और लेने में भी विद्या में घटा लेंगे कि अगर हम विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थियों पर घटेगा, फिर शिक्षक पे घटेगा नहीं, या वो जहां से भी हम सीखते हैं, सीखेंगे तो हमारे से अधिक से ही, जो भी सीखना है हमारे को, जिस भी विषय को जिससे सीखना है, तो उसमें भी जहां तक हो सके हम जितने कम से काम चल जाए। पर इसमें भी एक हमारी प्रवृत्ति रहती है, यदि हमें अच्छा ही सीखना है, बहुत अच्छा, और हम उसको कई गुना अधिक अच्छा करके अधिक लाभ उठा सकते हैं, तब तो अच्छे से ही सीखना चाहिए, जहां तक हो सके अच्छे से सीखना चाहिए। लेकिन छोटी मोटी बातें जो हम पूछते हैं उसके लिए बड़ी जगह जाएंगे तो कर्माशय तो हमारा घटेगा ही। हर बात बड़े से नहीं पूछी जाती है, वेद के विद्वान से छोटी छोटी संस्कृत की बातें नहीं पूछी जाएंगी, उसके लिए जाना है तो वेद वाले ही वहां पर जाएंगे, वो कम होते हैं इसलिए। पर एक ही स्तर के हों, एक ही चीज पढ़नी है, मान लो हमारे को संस्कृत पढ़नी है, हमारे को दर्शन पढ़ने हैं, हमारे को वेद पढ़ना है, उसमें से कोई है तो उपलब्ध अगर है और हम चाहते हैं कि जल्दी सीखें, अच्छे से ग्रहण करने का ये भी मतलब होता है कि हम ठीक सीख पाएं, अच्छा सीख पाएं, जल्दी सीख पाएं, तो इस उन उद्देश्यों से अगर हम अच्छे के पास जाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मन में ये भाव अवश्य रखना चाहिए कि कर्माशय तो हमारा अधिक घटेगा ही उससे, लेकिन लाभ उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो भी चीज़ें की जा सकती हैं। तो विद्या के संदर्भ में ऐसे घटा सकते हैं इसको, ठीक है। और कोई? हाँ ओम आचार्य जी, हमारे समाज में एक समाज किन्नरों का है, तो उनको जो हम दान देते हैं वो क्या उचित है, और उससे क्या हमें पाप मिलेगा या पुण्य होगा? इसको यहां जो वर्णन है वो ना तो स्त्री के लिए है, ना पुरुष के लिए है, ना किन्नरों के लिए, सबके लिए है ये जो यहां नियम बताए गए हैं। वहां आपकी कसौटी क्या होगी? धार्मिक अधार्मिक की, उसी आधार पर निर्णय कीजिए, आवश्यकता के अनुसार और धार्मिक के अनुसार। यहां कोई उस तरह का भेद नहीं है कि आप स्त्री को दे रहे हैं, पुरुष को दे रहे हैं, या किन्नर को दे रहे हैं, किसी के लिए भी बात है, सब जगह ये नियम लागू होंगे। अगर वो अधार्मिक है तो पाप लगेगा उनको देने से, अगर वो धार्मिक है, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम देते हैं तो पुण्य लगेगा। लेकिन हमारे समाज में तो, या हमारे राष्ट्र में एक संविधान है उनके लिए स्पेशल, तो इसी वजह से
उस आधार पे पूछा मैंने। क्या संविधान है? मतलब कि वो कोई कार्य करते नहीं है और ना ही कहीं एम्प्लॉयमेंट उनको मिलता नहीं, है इसमें कोई संविधान की बात तो मेरे को कुछ जानकारी में नहीं है कि भाई ऐसा कोई संविधान है कि वो काम नहीं कर सकते क्या। अभी तो पीछे मेरे को शायद मध्य प्रदेश में या कहाँ वो ये नगर निगम पार्षद बने थे और कुछ पद पे भी है, विधायक भी बने, ऐसे तो प्रतिबंध बिल्कुल नहीं है इसको लेके, बल्कि भारतीय संविधान में लिंग को लेकर के या इस विषय को लेकर के कोई भेद नहीं किया जाएगा, इस समानता का अधिकार है। उल्टा संविधान मत कीजिए, आप यूं कह सकते हैं प्रचलन ऐसा है, लोक में प्राय ऐसा देखा जाता है, लोक में जो भी देखा जाता हूं नियम यही लागू होंगे। मनुष्य मात्र पे हमें ये नियम लगाने, किसी पे भी लागू होगा। और सर जी दूसरा प्रश्न ये है मेरा कि जो कर्मचारी काम करते हैं और उन्हें साल में एक बार बोनस मिलता है, तो वो जो मालिक उनको एक साल पे एक बार जो बोनस का प्रावधान है वो जो देते हैं, तो उसे दान श्रेणी में ही लेना चाहिए क्यों? नहीं, उसको दान श्रेणी में नहीं कहेंगे, वो बोनस तो उनके कर्मचारियों के लिए ही होता है और उनको उनके अच्छा काम करने के बदले में दिया जाता है। दान एक बिल्कुल अलग चीज है, एक होता है पुरस्कार, एक होता है दान। पुरस्कार और दान दोनों अलग अलग हैं। पुरस्कार तो हम किसी व्यक्ति को उसकी विशेष कार्य करने के कारण से प्रदान करते हैं। दान ऐसा होता है कि अच्छा करने वाला जो भी कर रहा है, हमारा उससे सीधा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम उसके लिए सहयोग करते हैं, सहयोग करते हैं उसको, उसको आवश्यकता है इत्यादि की दृष्टि से। बोनस को वेतन के साथ में जोड़ के देखना चाहिए। पीछे भी जब स्वामी जी ने प्रश्न पूछा था उस संदर्भ में भी मैंने कहा, ऐसा ध्यान आ रहा है कि जो अतिरिक्त कमाई होती है कंपनियों की, उसमें फिर वो कहते हैं कि भाई इसमें अतिरिक्त हमारे को दें। और नीति भी होती है कि आप अच्छा काम करोगे, उनको प्रोत्साहन के लिए है ताकि अपना लग के काम करें, उत्पादन बढ़ेगा तो उनको लगे कि उसका कुछ अंश हमारे को भी मिल रहा है। इस दृष्टि से ये जो कर्मचारियों का आपने कहा, वहां तो उसको वेतन का ही एक भाग मान करके चलना चाहिए प्रोत्साहन के रूप में। और दूसरा तीसरा प्रश्न है कि सूत्र संख्या 14, 15 और 16 के आधार पे अगर हम शहीद भगत सिंह के बलिदान को देखें, तो उस समय जो उन्होंने त्याग किया, क्या वो उचित था? क्योंकि वो ना उनके उनसे हीन भी बहुत काफी जन थे और वो उत्तम थे और उनके बराबर में पॉपुलैरिटी के मामले में महात्मा गांधी के बराबर थे, तो एक सम के हिसाब से वो थे। और 16वें सूत्र के आधार पे अगर उन्हें बचा के कोई दूसरा अगर बलिदान देता था तो वो सही रहता था, ये प्रश्न। देखिए, वो तो क्रांतिकारी थे और उन्होंने बलिदान दिया, इसके कारण से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। अगर वो बलिदान नहीं करते तो इस रूप में नहीं जाने जाते जो आज जाने जा रहे हैं। यहाँ हीन मध्य श्रेष्ठ है वो प्रसिद्धि के आधार पर, पॉपुलैरिटी के आधार पर नहीं कथन किया जा रहा है, वो भी एक बिंदु हो सकता है। यहाँ धार्मिक और अधार्मिक की दृष्टि से, ईश्वर की दृष्टि से, मुक्ति की दृष्टि से किसकी कितनी योग्यता है, समाज के लिए कौन कितना उपयोगी है, उसकी दृष्टि से हमें यहाँ पर मुख्य रूप से देखना है। तो उन्होंने जो त्याग किया यानी अपना बलिदान किया, शरीर का त्याग किया, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए किया, पूरे राष्ट्र की दृष्टि से किया। उसमें उनसे अच्छे व्यक्ति भी, योग्यता वाले धार्मिक सज्जन हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, उनसे नीचे के भी हो सकते हैं, नीचे के बहुत हैं जो कि आपके प्रश्न का भाग है। इसमें दूसरों को के लिए कुछ हम जब त्याग करते हैं, वहां उसकी आवश्यकता के आधार पर भी निर्णय करना होता है, केवल योग्यता के आधार पर नहीं होता है सदा। मान लीजिए हम दो व्यक्ति हैं, पानी थोड़ा सा है, हमारे को अभी प्यास नहीं है और हम कुछ घंटे जी सकते हैं और तब तक सहायता आ सकती है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो रुग्ण है, उसको देर से प्यास लग रही है और वो मरने वाला है, लेकिन हमारे से योग्यता में कम है, धार्मिक ही हमारे से योग्यता में कम है। अब एक दृष्टि बदलेगी, वहां आप केवल योग्यता के आधार पर नहीं देखा जाएगा, वहां आवश्यकता और जीवन के आधार पर भी देखा जाएगा। वो बिंदु भी हमेशा हमें ध्यान रखने, बहुत छोटा बच्चा है और मरने वाला है कोई, तो ऐसे में तो हम समान नहीं हुए। यह प्रसंग कहां का है? जब सब चीजें समान हो, हम भी अगले कुछ घंटों में मरने वाले हैं, दूसरा भी कुछ घंटों में मरने वाला है, समान स्थिति में है, लेकिन योग्यता में भेद है। अब वो एक गिलास पानी या दो घूंट पानी किसको पीना चाहिए,
ऐसे में ये निर्णय काम करेगा। ये आपत्काल स्थिति में है और सब चीजें समान हो तो हैं, आपने अंतर कर दिया, यदि अन्य तथ्य साथ में जुड़ गए हैं तो फिर उसको ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए। जी धन्यवाद। तो इसलिए इन्होंने, भगत सिंह जी ने, इन्होंने क्रांतिकारियों ने, क्योंकि देश की ऐसी स्थिति थी, लोग बहुत दीनहीन थे, गुलामी के कारण से बहुत अत्याचार, शोषण और ये सारी चीजें हो रही थी, उनको बहुत आवश्यक था ये, वो पूरे राष्ट्र के लिए किया एक तरह से उन्होंने, एक कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं किया, वो पूरे राष्ट्र के लिए किया, और पूरा राष्ट्र मिलकर के, और भगत सिंह की तुलना की जाए या क्रांतिकारियों की तुलना की जाए तो कौन बड़ा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक संख्या है और आगे तक के लिए दीर्घकालीन उसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए वो व्यक्ति अपने एक जीवन का त्याग अनेकों के लिए करता है, वो एक और एक के लिए नहीं कर रहा है। ये जो सारी बात है हमारी इन तीन सूत्रों में, ये एक और एक के लिए है, जब दोनों समान हो, समान स्थिति में हो, और तब योग्यता में भेद के कारण एक एक के लिए त्याग कर रहा है। अब मान लो हम, जैसे हमने कहा अभी, कुछ सैनिक हैं, वो सेनापति के लिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के लिए अपना त्याग करते हैं, वो हम मान भी लिया, लेकिन कितने सैनिक त्याग करें? अब आप आंकड़ा अगर बदल दो कि प्रधानमंत्री जीवित रहना चाहिए भले ही भारत के 100 करोड़ या 125 करोड़ व्यक्ति मर जाए, अब तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये इतनी बड़ी संख्या हो गई और दूसरे बहुत अधिक योग्य व्यक्ति हैं। इसलिए ये प्रसंग, पहली बात तो एक और एक का है, आपस में जब हम दो कर रहे हैं, संख्या अगर उधर की बढ़ जाएगी तो अंतर आ जाएगा। लाखों व्यक्तियों को बचाने के लिए यदि कोई बड़ा व्यक्ति एक जाता है तो वो लाख जीवन है, वहां पर करोड़ व्यक्ति हैं, ऐसे में आंकड़ा बिल्कुल बदल जाता है। तो इसलिए आप भगत सिंह के लिए जो बात कर रहे हैं या अन्य क्रांतिकारियों के लिए बात कर रहे हैं, वो उन्होंने बड़े के लिए ही त्याग किया है, राष्ट्र के लिए त्याग किया, न्याय के लिए त्याग किया, एक बड़े समूह के लिए त्याग किया, तो उन्होंने बड़े के लिए त्याग किया है, वो उचित किया है। ठीक है, और किसी को पूछना है तो आगे का पाठ देखते हैं। एक इसमें पीछे छठे अध्याय के प्रथम आने का तीसरा सूत्र, बुद्धिपूर्वो ददाति, इसमें ऋग्वेद का एक मंत्र था, अहम भूमिम अददाम आर्याय, तो इसमें अददाम ये जो शब्द है, मैं पीछे अददाम ऐसा कुछ बोल रहा था तो उसको अददाम आर्याय, ये लंग लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है, अहम के साथ में है, अददाम आर्याय इसको ऐसे बोलना चाहिए। आगे द्वितीय अनेक प्रारंभ करते हैं, छठे अध्याय का द्वितीय अनेक पृष्ठ संख्या 82। प्रथम सूत्र की भूमिका में ब्रह्म मुनि जी लिखते हैं, सामान्येन वैदिक कर्माणि आत्मघटकानि प्रदर्श्य इदानीं विशिष्ट कर्मणां तत्फलानां च विषयः प्रोच्यते। प्रथम अनेक में कर्म की बात हुई, अब वो कर्म भी कैसे थे? वैदिक कर्म थे, वैदिक रीति से क्या कर्म किया जाना चाहिए, वो जो कि आत्मघटकानी, जो आत्मा से जुड़े हुए हैं, आत्मा से के साथ में जिसका संबंध है, कर्माशय के साथ में जिसका संबंध है, सीधे सीधे आत्मा से संबंधित, आत्मा के जो कर्म है उनको ध्यान में रख करके किया गया, उनको प्रदर्शित करके, अब विशिष्ट कर्मणाम, विशिष्ट कर्मों का, विशिष्ट कर्म का मतलब यहां पर व्यक्तिगत कर्मों का, प्राय व्यक्तिगत कर्मों का, इनका तत्फलानाम च विषय प्रोच्यते, उससे संबंधित फल यहां पर कहा जा रहा है कर्मों की ही चर्चा, लेकिन थोड़ा और अलग दृष्टि से कर्म के संबंध में अन्य क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए उसका वर्णन है। तो पहला सूत्र है, दृष्टादृष्ट प्रयोजनानाम दृष्टाभावे प्रयोजनम अभ्युदयाय। इस सूत्र इनको इसलिए बनाना पड़ा कि शास्त्र में हमें बहुत से कर्म ऐसे वर्णित मिलते हैं, करने के योग्य हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता कि क्यों करने चाहिए, इसका लाभ क्या है, कोई फल हमारे को यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है उन स्थितियों में, अथवा बहुत कम दिखाई दे रहा है। तो जिनका प्रयोजन दृष्ट है या अदृष्ट है, दृष्टादृष्ट प्रयोजनाना, जिन कर्मों का प्रयोजन दृष्ट है अदृष्ट है, मिले जुले हैं, दोनों तरह के होते हैं कर्म। दृष्ट प्रयोजन का मतलब है हमें पता है कि इसके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं भूख मिटाने के लिए, ताकत के लिए,
बल के लिए, ओज के ऊर्जा के लिए कर रहे हैं, ये प्रयोजन दृष्ट है, हमें पता लगता है। और अदृष्ट, जिसका प्रयोजन दिखाई नहीं दे रहा है हमारे को, ऐसे जो कर्म होते हैं, दोनों तरह के कर्म होते हैं इसमें, सभी कर्मों में ही होता है। तो ऐसे में दृष्टाभावे, दृष्ट का अभाव होने पर, यदि हमें कुछ इस जीवन में उसका लाभ दिखाई नहीं देता, दृष्ट का अभाव दिखाई देता है, तो वो किसके लिए होते हैं? उनका प्रयोजन क्या होता है? अभ्युदयाय, अभ्युदय के लिए उनका प्रयोजन होता है। अभ्युदय का मतलब है अभिमुखी भूत उन्नति के लिए, भविष्य में होने वाली उन्नति के लिए। वो भविष्य में होने वाली उन्नति इस जन्म में भी आगे हो सकती है लंबे समय बाद में, अथवा अन्य जन्मों के लिए भी हो सकती है। वो सब अभ्युदय के अंतर्गत आएगा, केवल इसी जन्म का नहीं, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा है, वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा है उसका। भाष्य देखिए, दृष्टा दृष्टे फले, फल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दृष्ट भी होते हैं अदृष्ट भी होते हैं, कर्मों के फल। प्रयोजनम तु कर्म, दृष्टा दृष्टे फले प्रयोजनम तु कर्म, कर्म का प्रयोजन क्या है? कोई फल है, और वो फल दो प्रकार के, दृष्ट और अदृष्ट। आगे कहते हैं करणार्थे ल्युट प्रत्यय, यहां पर करण के अर्थ में ल्युट प्रत्यय किया गया है। प्रयोजनम शब्द जो है इसको करण अर्थ में कहा है कि जिसके द्वारा प्रयोजन की सिद्धि की जाती है उसे, ऐसा कर्म। दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन, आगे देखिए, दृष्टा दृष्टे फले प्रयुंक्ते उपभुंक्ते एभिस तानि कर्माणि। इसमें ये जो पीछे कहा है ना, इसमें करणार्थे ल्युट प्रत्यय, इसमें प्रयोजन शब्द पे ही ये केंद्रित रखना चाह रहे हैं। तो आगे देखिए, दृष्टा दृष्टे फले प्रयुंक्ते, दृष्ट और अदृष्ट फलों को प्रयुंक्ते प्रयोग करते हैं, इसी को आगे कहा उपभुंक्ते ए भी जिनके द्वारा, तानि कर्माणि वे कर्म, ये करण अर्थ में इन्होंने किया है इसको, कर्म शब्द को। ये जो करण अर्थ इन्होंने किया है, प्रयोजनम को लिया है, प्रयोजन क्या है यहां पर, इन्होंने व्याख्या थोड़ा अलग ढंग से की है कि प्रयोजन का मतलब है यहां पर कर्म। प्रयोजन शब्द का अर्थ क्या किया? कर्म। और कर्म का एक अर्थ तो होता है कि जिसको हम करते हैं उसको कर्म कहते हैं। एक तो कर्तुरीप्सिततमम कर्म होता है, वो तो एक अलग बात हो गई। कर्म का मतलब है यहां पर क्रिया, क्रिया होती है जिसको हम करते हैं। लेकिन यहां इन्होंने करण अर्थ लेते हुए कहा कि दृष्टादृष्टे फले ए भी जिनके द्वारा दृष्ट और अदृष्ट फल होते हैं वे, ऐसे कर्म। दृष्टादृष्टयोः फलयोः प्रयोजनानि, तो दृष्ट और अदृष्ट फल वाले जिनके हैं, ऐसे जो ये प्रयोजन हैं, प्रयोजनानि को आगे खोल रहे हैं, प्रयोग निमित्तानि, प्रयोग के जो निमित्त हैं, कारण बनते हैं, प्रयोग निमित्तानि को ही आगे खोल रहे हैं, उपभोग साधनानि कर्माणि, उपभोग के साधन जो कर्म हैं, दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन है जिनके, ऐसे साधन वाले जो कर्म है, उपभोग के जो साधन है, ऐसे कर्म। तेषाम दृष्टादृष्ट फलोपभोग निमित्तानाम कर्मणाम, तो इन दृष्टादृष्ट फल भोग के जो निमित्त हैं, ऐसे जो कर्म हैं उनके, इसी को और आगे खोल दिया, दृष्टादृष्ट फल प्रद कर्मणाम, ऐसे कर्म जो कि दृष्ट और अदृष्ट फलों को देने वाले हैं। अर्थात ये ऐसे कर्म जो कि साधन के रूप में है, करण के रूप में, जिनके द्वारा दृष्ट और अदृष्ट फल होते हैं, ऐसे कर्म, ये करण अर्थ की व्याख्या है। तो उनके दृष्टाभावे, दृष्ट फलाभावे, दृष्ट फलाभावे को आगे खोल रहे हैं, सांप्रतिक फलाभावे। सांप्रतिक कहते हैं वर्तमान में, हम कह रहे हैं दृष्ट, दृष्ट का मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है, दिखाई कौन सा देता है? जो वर्तमान में है, सांप्रतिक है, दूर भविष्य में होने वाला कई साल कई जीवन बाद में वो हमें दिखाई नहीं देता है, अनेक वर्षों बाद में होता है, दीर्घ काल में वो कभी दिखाई दे भी जाता है, पता भी लग जाता है, नहीं भी लगता है, लेकिन अदृष्टता भी रह सकती है। हमें ये नहीं पता लगेगा कि ये फल इसके कारण से हो रहा है हमारे को, हमने ये किया था इसलिए ये ऐसा हुआ है, ये स्पष्ट हमारे को नहीं हो पाता, क्योंकि हम बहुत सारे कर्म करते रहते हैं। तो दृष्ट फलाभावे, इसी को खोल दिया सांप्रतिक फलाभावे, इसी को आगे खोल रहे हैं, सांप्रतिक फला प्राप्त हो,
सांप्रतिक फल जो का तू रहा, फल का भाव होने पर, भाव को क्या कहा इन्होंने, फल की प्राप्ति, सांप्रतिक फल का भाव यानी प्राप्ति, सांप्रतिक फल की प्राप्ति में प्रयोजनम, सांप्रतिक फल अप्राप्त हो, हां फलाभावे, फलाभावे फल का अभाव होने पर, सांप्रतिक फल का अभाव होने पर यानी सांप्रतिक फल की अप्राप्ति होने पर, न मिलने पर, वर्तमान में कोई फल जब नहीं मिल रहा है ऐसी स्थिति में प्रयोजनम क्या होता है, तथा विधम फल निमित्तम कर्म, उस प्रकार का फल का जो निमित्त है वो कर्म क्या होता है, अभ्युदयाय अभिमुखी भूताय, अभिमुखी कहते हैं सामने जो है, सामने है ये, सामने दरवाजा है ये, सामने मेरा लक्ष्य है ये, सामने नदी है हम जा रहे हैं उस तरफ, ये सामने गांव है, ये अभिमुख है, ये सामने आ गया बिल्कुल, तो जहां हम जा रहे हैं भविष्य में पहुंचने वाले हैं उसको यहां पर अभिमुख शब्द से कहा गया यानी भविष्य में आने वाला, तो अभिमुखी भूताय भावी ने, भविष्य में जो होने वाला है, खलु उदय आया उस उदय के लिए, उदय आया उसको खोल दिया, उत्कर्षाय भवति, ये भविष्य के उत्कर्ष के लिए होता है, खलु यह जन्मनी पर जन्मनी वा, वो चाहे इस जन्म में बाद में हो चाहे पर जन्म में बाद में हो लेकिन होगा अवश्य, निष्पत्स्य मानस्य, निष्पत्स्य मानाय कल्याणाय भवति, तो इस जन्म में या पर जन्म में अन्य जन्म में होने वाले कल्याण के लिए होता है, तो दृष्टम फलम सत्यस्तनम, जो वर्तमान का फल है दृष्ट है वो सत्यस्तन है, ताजा ताजा होता है वर्तमान में, और अदृष्टम चिरेण निष्पत्स्यमानम, अदृष्ट का मतलब है जो देर से दूर से संपन्न होता है, इस जन्म में या पर जन्म में किसी भी तरह हो सकता है, तो ये दृष्टि से बड़े बहुत बड़ी शंका का समाधान कर रहे हैं कि हमारे मन में शास्त्रीय विषयों में बहुत बार ये शंका हो जाती है कि हम कर तो रहे हैं लेकिन लाभ कुछ नहीं आ रहा है, कर तो रहे हैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए ये कथन किया जा रहा है, क्योंकि पिछले उसमें भी हमने देखा कि वेद के अंदर बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, वेद से संबंधित शास्त्रों में भी बुद्धिपूर्वक रचना है, तो वहां अनर्थक निरर्थक व्यर्थ ही कोई चीज नहीं कही जाएगी, कुछ कहा गया है तो उसका फल अवश्य होगा, वर्तमान में हमें नहीं दिखाई देता तो भविष्य में होने वाला है, ऐसा हम विश्वास करके चल सकते हैं या ऐसा विश्वास करके हमें चलना चाहिए, करते रहना चाहिए, वहां लिखा है तो हमें बस वैसा ही करना है, यहां परिणाम नहीं आ रहा हो या विपरीत भी आ रहा हो तो भी करना है क्योंकि वो अच्छे के लिए है, हाँ हमारा तरीका गलत है फिर गलत परिणाम आ रहा है तो अलग बात है, वहां ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं शास्त्र में लिखा है और मैं कर रहा हूं तो ये तो ठीक ही कर रहा हूं मैं, अगर हमारी गलती है तो वो तो ध्यान देना ही चाहिए, करने के तरीके में गलत हो सकता है, विधि गलत हो सकती है हमारी, लेकिन विधि भी हमारी ठीक है, कर्म भी ठीक है, जो कहा गया वो सब ठीक है तो उसका फल अवश्य ही अच्छा होगा। आगे तो ये जो ऐसे कर्म हैं जो अदृष्ट फल वाले हैं, जिनका फल बाद में होगा, अभ्युदय होगा भविष्य का, उन कर्मों के उदाहरण क्या है, किन कर्मों की ये बात की जा रही है, तो उसके लिए यहां इन्होंने उदाहरण भी दिए, तथा तत्र अदृष्ट फल फल का नाम कर्मणाम उदाहरणानि दीयन्ते, अदृष्ट फल वाले कर्मों के उदाहरण दिए जा रहे हैं, अब इनमें आपको दृष्टता भी दिखाई दे सकती है, ये तो दृष्ट फल वाले हैं लेकिन ये इनको अदृष्ट फल वाले कह रहे हैं, जैसे अभिषेचन, अभिषेचन नाम सुना है, तो वैसे तो अभिषेचन ऊपर से तिलक तोड़ना होता है, अभिषेचन वो तो राज्याभिषेक होता है तो उसमें स्नान भी कराते हैं ना उनको, स्नान से अभिषेचन जल से जैसे स्नान कराया, तो मान लो हमने स्नान किया तो उसको कोई हम अदृष्ट फल वाला मानते हैं क्या, हम तो दृष्ट फल वाला मानते हैं, शुद्धि हो जाती है, पसीना आदि हट जाता है, गर्मी है तो बहुत ठंडा लगता है, शरीर खुल जाता है, ऐसा ये जो चीजें हैं ये तो लाभ हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे शास्त्र में लिखा कि भाई आपको ये स्नान करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, उस विधि का पालन करने से सीधे सीधे फल नहीं है, तो क्या कैसे भी स्नान कर लो, और कैसे भी स्नान कर लो तो ये चीजें तो जो सामान्य चीजें हैं वो तो वैसे भी हो जाएंगी, लेकिन विधिवत स्नान करने से उसमें कुछ और अतिरिक्त होना चाहिए, तो अभिषेचन। आगे है उपवास, उपवास के भी अलग अलग अर्थ हैं, तो उपवास का एक अर्थ तो है
भूखा रहना, तो भूखे रहने का फल जो है वो दृष्ट है अदृष्ट है? अदृष्ट फल है, उसको आप दृष्टि भी कह सकते हैं, दृष्टि भी कह सकते हैं ना उसको, कि हमारे को रोग दूर हो रहे हैं, रोग के लिए जैसे उपचार किया जाता है ऐसे। तो खैर, यहां जो हमने हमारे को इन्होंने उदाहरण दिए हैं उसमें कुछ चीजें तो हमारे को दृष्ट दिखाई भी देती हैं। यदि दृष्ट दिखाई दे रही हैं तो उसके साथ साथ कुछ अदृष्टता भी साथ में, कि हम जैसा चाहते हैं वैसा फल नहीं है, थोड़ा फल आ रहा है, तो इसका मतलब है वहां पर कुछ और अतिरिक्त भी होना चाहिए। भाई बात तो बहुत बड़ी की है लेकिन लाभ इतना दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा तो दिखाई दे रहा है लेकिन उतना दिखाई नहीं दे रहा है, तब भी हम अदृष्टता जोड़ सकते हैं। और हमारे को कुछ भी लाभ दिखाई नहीं दे रहा है तब भी हम अदृष्टता देख सकते हैं, दोनों ही बातें। तो उपवास के लिए वैसे ये कहा जाता है, एक श्लोक प्रसिद्ध है और, कि उपावृत्तस्य पापेभ्य, उपवास, उप का मतलब है तो उपावृत्त होना, अलग होना पाप कर्मों से, दुष्ट कर्मों से, और सहवासो गुणे ही, यह गुणों के साथ में सहवास, साथ साथ रहना, गुणों को अपनाना यानी दोषों को दूर करना और गुणों के साथ में रहना। उपवास सविज्ञेयो न शरीरस्य शोषणम, शरीरस्य उपशोषणम, इसको उपवास कहते हैं। एक अच्छे अर्थों में इन्होंने किसी में लिखा, क्योंकि भूखे रहने को भी उपवास शब्द से कहा जाता है। अब वो भूखा रहना भी कई तरह का हो सकता है, जबरदस्ती वैसे ही रहते हैं, कई जने उपवास इसलिए करते हैं कि हमारे पाप क्षीण हो जाएंगे, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जितना हम दुख लेंगे, कष्ट झेलेंगे, तो जितना दुख झेलेंगे उतना उतना हमारा पाप कर्माशय क्षीण होता जाएगा, क्योंकि कर्मफल में ये बात है ना कि जितना सुख भोगते हैं तो पुण्य कर्माशय घट जाएगा, जितना कष्ट भोगते हैं तो पाप कर्माशय घट जाएगा। ये जो एक सामान्य नियम है उसको लेकर के बहुत से लोग फिर लंबे लंबे उपवास करते हैं कि इससे हमारे कर्म क्षीण हो जाएंगे, भोग लेंगे अभी, नहीं तो आगे फल मिलेगा, हम अभी खुद ही भोग लेते हैं। लेकिन ये वैदिक दृष्टि नहीं है। वैदिक दृष्टि के अंदर जब हम कष्ट झेलते हैं, यदि धर्म की पालना के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए तपस्या पूर्वक ये सब हम झेलते हैं तो वो हमारे लिए हितकर होता है ऐसा कष्ट। अब जबरदस्ती वैसे ही कष्ट झेलना, ठीक है हम बैठे बैठे अपने सुई चुभो रहे हैं, चलो अंगुली काट दी फिर दर्द हो जाएगा, फिर पट्टी लगाएंगे, फिर कष्ट होगा तो चलो इससे हमारे पाप क्षीण हो जाएंगे, कंकर है जमीन में फिर नंगे पैर चलेंगे, तप रही है धरती खूब फिर भी नंगे पैर चलेंगे, कि कष्ट झेलेंगे तो हमारा कर्माशय, पाप कर्माशय क्षीण होगा। उसमें सहन शक्ति बढ़ती है वो एक अलग बात है, वो संस्कार हमारे बनते हैं वो एक अलग बात है, उस तरह नहीं देखना है। लेकिन ऐसे कष्ट झेलना, तो जो अन्याय पूर्वक कष्ट झेल रहा है, अविधि पूर्वक कष्ट झेलता है, यूं ही दुख उठाता है और सोचता है कि मेरा कर्माशय क्षीण होगा, वो नहीं होगा और उल्टा पाप लग सकता है, लगेगा कि हम अपने अच्छी चीज को भी, शरीर को भी और बिगाड़ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो खैर, यहां जो चीजें लिखी हैं फिर आगे भाष्य में भी देखेंगे, पहले नाम देखते हैं। तो अभिषेचन एक, उपवास दो, ब्रह्मचर्य तीन, गुरुकुलवास चार, फिर है वानप्रस्थ पांच, वानप्रस्थ का केवल वानप्रस्थ हो गया, बाकी चीजें उसमें जुड़ जाएंगी, यज्ञ दान प्रोक्षण, प्रोक्षण का मतलब ऐसे ही जो छींटे दे देते हैं, मुझे लगता है पौराणिक प्रोक्षण, ये जो चीजें हो गई, ये प्रोक्षण का भी देखेंगे। देखो आगे, जल सिंचन भी तो करते हैं ना, जल प्रोक्षणम भी तो हम बोलते हैं ना, यज्ञ में जो जल सिंचन करते हैं उसको जल प्रोक्षण, यूं छींटे देते हैं उसमें। सिंचन मतलब वो छिड़कना, वो सींचना होता है, छिड़कना एक अलग, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। प्रोक्षण, फिर है दिंग, दिंग का मतलब है दिशाएं, अब दिशाएं भी अदृष्ट फल बल देने वाली होती है, दिशाएं, दिशाओं का प्रयोग अभी भाष्य में देखेंगे। नक्षत्र, अलग अलग नक्षत्र का अभी लगेगा ना, पूरी पौराणिकता है यहां पर। नक्षत्र, मंत्र, मंत्र हम बोलते हैं, कहते हैं जी मंत्र क्यों बोलना, वैसे ही बोल देंगे, वैसे ही कर्म कर लेंगे, मंत्र बोल करके क्या करना है, बोलना ही तो है मंत्र। काल, समय जो होता है, और नियमाश्च, और नियमों का पालन, ये अतृष्टा या अतृष्ट के लिए होते हैं। तो अतृष्ट को दो दृष्टियों से देखना, एक तो हमें यहां पर कम फल दिखाई दे रहा है लेकिन फल उसका अधिक है,
यहां कम दिखाई दे रहा है लेकिन फल अधिक है, ऐसी स्थिति में भी वो अदृष्ट के लिए बनेगा। ठीक है, जैसे कोई समाज का काम कर रहा है, अब ठीक है उसको रोटी मिल गई, उसको कपड़े मिल गए, सामान्य है, और विशेष तो हो नहीं रहा है, तो उसके लिए वो अदृष्ट के लिए हो जाएगा। वो सोचेगा कि इतना काम है, इतनी मेहनत लोग करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, तो मैं तो कर रहा हूं, तो मैं तो इतना सही ले रहा हूं, तो क्या मेरा यही फल है? नहीं, जो अतिरिक्त है स्वार्थता का और जो फल मिलना है वो सब आगे मिलेगा, अदृष्ट के लिए होगा। तो जहां थोड़ा फल दिखाई दे रहा है वहां पर भी अदृष्ट की बात को हम जोड़ सकते हैं, और जहां कुछ भी फल दिखाई नहीं दे रहा है, इसका कोई लाभ ही नहीं दिखाई दे रहा है, वहां भी वो अदृष्ट के लिए होगा। लेकिन ये सारी बातें कहां लगेंगी? शास्त्रोक्त विधिवत जो वेदोक्त बातें हैं उन्हीं पे लगेगी, हर जगह नहीं लगेगी। अब किसी ने कुछ होता ही नहीं है, रेत को दे दिया कि रेत को पीसते जाओ, कोल्हू में पेरते जाओ, बोले अब तेल तो निकल नहीं रहा है उसमें, तो वहां पर दृष्ट नहीं है तो ये अदृष्ट के लिए होगा, ऐसा नहीं लगाना है। हर जगह हर जगह पे नहीं लगेगा, ये शास्त्रोक्त बातों पे ही लगेगा, उचित बातों पे ही, उचित आर्ष व्यक्तियों के द्वारा कही गई बातों पे ही ये लगेगा। भाष्य देखें, अदृष्टाय अदृष्ट फलाय चिरेण चिरतरेण चिरतमेन कालेन फलाय। तो अदृष्ट फल के लिए चिरेण को देर से को इन्होंने खोल दिया, देर चिरतर और अधिक देर, और चिरतम बहुत अधिक देर, इतना भी हो किसी भी काल में भविष्य में, कालेन फलाय कल्याणाय अस्मिन परस्मिन जन्मनि जन्मोपरमे च संति। तो ये फल के लिए होते हैं, इन किसी भी काल के द्वारा किसी भी काल में फल के लिए, कल्याण के लिए होते हैं, इस जन्म में पर जन्म में और जन्म के हट जाने पर भी, कहीं भी यानी मुक्ति में भी, जन्मोपरमे जन्म का उपरम पूरा हो जाए। देखिए इसमें तीन बातें हैं, एक तो है अस्मिन, अस्मिन मतलब ये जन्म हो गया, और परस्मिन जन्मनी पर जन्म में, और उसके बाद में जन्मोपरमय और कह दिया है, जन्म के से उपरम हो जाने पर, छूट जाने पर, यानी मुक्ति में। नहीं तो अगले जन्म को लेंगे तो वो तो आ ही गया ना, परस्मिन जन्मनी, चाहे परस्मिन जन्म तो अगला हो या उससे आगे का हो, सभी जगह आ जाएगा वो तो, परस्मिन जन्मनी। तो जन्मोपरमय ने जन्म का उपरम हो जाने पर, जन्म के हट जाने पर, जैसे हम कहते हैं जन्म मरण के चक्र से छूट गया है वो मुक्ति की दृष्टि से, तो मुक्ति में भी ये इस दृष्टि से इन्होंने कथन किया है। चसंती कुछ ना कुछ वहां फल होगा, केते उच्चंते उसमें इन्होंने बताया, यथावचनम विग्रहस तत्र, इसमें यथावचन जैसा लिखा है उसी तरह विग्रह कर रहे हैं। अभिषेचनम, अभिषेचन को यह खोल रहे हैं, नित्य शुद्ध जले न स्नानम, प्रतिदिन शुद्ध जल से स्नान करना। अब देखिए हम हाथ धोते हैं, आजकल बहुत चल रहा है हाथ धो करके खाना खाना चाहिए, बच्चे भी हैं ये सब है, तो बोले हाथ धोने के खाने से क्या होता है, हाथ धोने से क्या होता है, कीटाणु, कीटाणु तो दिखते ही नहीं है, दिखे हैं क्या आपने कभी, ये धो रहे हो बोल भी रहे हो, कभी आपने हाथ में देखे हैं कि कीटाणु कोई नजर आया है क्या? तो दृष्ट फल तो कुछ नहीं है ना यहां पर, दृष्ट फल मैं निकट का ही थोड़ा सा बता रहा हूं, हमारे को दिखने में हमें लगेगा कि कोई दृष्ट फल है ही नहीं यहां पर, भाई धो लिए बोले धोने से पहले भी थे भाई, ठीक है दुर्गंध हट गई तो हट गई थोड़ी सी, या ऐसा कुछ हो गया थोड़ा गीला हो गया अच्छा, लेकिन हाथ तो वही है, कोई जीवाणु वाणु तो कुछ है ही नहीं, दिखाई नहीं देते, और ऐसे बड़े बड़े कीटाणु होते उनको साफ करने के लिए थोड़ा हाथ धोते, वो तो वैसे ही साफ कर दो झड़का के हटा करके, पर उसका फल वहां हमारे को यूं दिखाई नहीं देता है, लेकिन भविष्य में रोगों के रूप में, जबकि जो बिना हाथ धोए खाते हैं और कोई बीमार भी पड़ रहे हैं उनको यही नहीं पता लगता कि इस कारण से बीमार पड़ रहे हैं हम, ये तो ठीक है वैज्ञानिकों ने देख लिया, चिकित्सकों ने देख लिया, समझ लिया, संबंध जुड़ गया और उन्होंने हमारे को बता दिया, नहीं तो हमारे लिए ये दृष्ट प्रयोजन है अदृष्ट प्रयोजन है, हमें कोई सूचना ना हो। अब किसी बच्चे की दृष्टि से देखो तो संबंध जोड़ नहीं पाएगा ना, उसको क्या पता कि इसी कारण से हो रहा है, तभी तो आज सिखाया जा रहा है कि भाई केवल हाथ धोने से कर, हाथ धो के भोजन करने से न जाने कितने रोग बच सकते हैं, कितनी जाने जाने से बच सकती हैं, क्योंकि उनको दस्ते नहीं होंगे, उल्टी नहीं होंगे, उल्टी दस्त से भी कितने लोग मर जाते हैं, उससे फिर जल की कमी हो जाती है और फिर मृत्यु तक हो जाती है, व्यापक प्रभाव है इसके पूरे संसार की दृष्टि से देखें तो एक दृष्टि यूं देखेंगे तो ये जो हाथ पाथ धोना है ये कैसा हुआ, अदृष्ट फल के लिए।
बोले इतना सारा धोते हैं करते हैं, ऐसा कुछ लगा तो नहीं कि कुछ होता है, खाना तो वैसे ही खाया जाता है, हाथ धो के खाओ चाहे बिना धो के खाओ, खाना खाने के लिए जा रहे हैं तो खाना तो वैसा ही है। ऐसी चीजों को भी हम यहां पर ले सकते हैं। तो इन्होंने स्नान के लिए कहा, अपने हाथ धोने को ले लीजिए, शरीर के स्नान को ले लीजिए, उन सब चीजों के लिए। तो नित्य शुद्ध जल है ना स्नानम। दूसरा है उपवास है। उपवास को इन्होंने कहा पापाद उपरम्य गुण ही सह वास। जो मैं आपको श्लोक बोल रहा था वही भाव है यहां पर, कि पाप से उपरम होना, उपरम होकर के और गुणों के साथ में वास करना, गुणों को अपनाना, ये उपवास हो गया। तो वैसे तो देखो यहां पर हमारे को सीधा सीधा लाभ दिखाई देगा, क्योंकि दोष दूर हो गए, हमने दोष दूर किए, दोष दूर हो गए और हमारे को गुण की प्राप्ति हो गई, ये तो हमारे को दृष्ट दिखाई दे रहा है ना। ये दृष्ट होते हुए भी, ये दृष्ट होते हुए भी इसके अतिरिक्त भी कुछ और होना चाहिए, ये इससे हमारे को प्रतीति होती है। यानी ये कर्म जिनके ये कुछ कुछ लाभ दिखाए जा रहे हैं, हमें प्रतीति भी होती है वहां पर कुछ लाभ के अतिरिक्त लाभ भी कुछ होना है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा भी ग्रहण करना चाहिए। इसलिए मैं दो भाग किए थे आपको, एक तो जिसका कुछ भी दिखाई नहीं देता है हमारे को वो भी अदृष्ट फल, अथवा जिनका थोड़ा दिखाई दे रहा है वो, या हमारे को बड़ा भी दिखाई दे रहा है तो समझना चाहिए यहां नाम लिख रखा है तो उसका मतलब कुछ और अतिरिक्त है जो कि हमारे को सामान्यतया दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए आगे, तो उपवास पापाद उपरम्य गुण ही सह वास। आगे कहा ब्रह्मचर्यम उपस्थेन्द्रिय संयम, एक ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक है, और गुरुकुलवास एक आगे अलग से लिखा हुआ है। यानी ये दो चीजें लिखी हुई हैं, इनका अपना फल है। यद्यपि इस पर बहुत विचार चलता है कि भई ये लाभदायक है या नहीं है, पाश्चात्य दृष्टि से और आधुनिक दृष्टि से और भारतीय दृष्टि से इसके अंदर बहुत विकल्प चलते रहते हैं कि इसमें कितना लाभ है नहीं है। ठीक है, उसकी जितनी अपनी उपयोगिता है, जितना लाभ है किसी विशेष प्रयोजन के लिए वहां तक ठीक है, उसके अलावा जो है इसमें हमारे को देखना होता है कि ये लाभदायक है या नहीं है। तो इसमें कहा ब्रह्मचर्यम उपस्थेन्द्रिय संयम। आगे कहा गुरुकुलवासो, गुरुकुले विद्याध्ययनार्थ विद्याध्ययनार्थो वास। अब गुरुकुल में जो वास है, गुरुकुल में जो रहना है, अब इसका एक प्रयोजन तो हमारे को दिखाई देता है सीधा सीधा, गुरुकुल में वास कर रहे हैं तो हमारे को पढ़ाई करनी है, अध्ययन हो रहा है हमारे को। लेकिन इसको भी कहां लिखा है इन्होंने, अदृष्ट फल के लिए लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ, ये ऐसा है जिससे ये जो दृष्ट फल दिखाई दे रहा है ये तो है, इसके अतिरिक्त भी कुछ बनता है, कुछ अतिरिक्त भी बनता है, उसमें कई चीजें जोड़ी जा सकती हैं अलग अलग के, कि भाई वो अध्ययन कर रहा है, अध्ययन कर रहा है तो अपने जीवन को अच्छा बनाएगा, दूसरों को बनाएगा, तो एक तरह से विद्या की वृद्धि कर रहा है वो, तो वो एक तरह से पुण्य का काम कर रहा है। दूसरा आचार्य या गुरुओं की सेवा कर रहा है, उस दृष्टि से भी उसका पुण्य बनेगा। तो ऐसे गुरुकुल में रहते हुए अध्ययन करना, गुरुकुलवास, देखिए बिना गुरुकुल में रहते हुए अध्ययन करना, स्वतंत्रता से अध्ययन करना, वो एक अलग बात है। गुरुकुल में रहते हुए, वहां की व्यवस्था में रहते हुए, जो दिनचर्या में रहते हुए, अनुशासन में रहते हुए अध्ययन होता है, उसका जो संस्कार पड़ता है अंदर, वो अलग बात है। वो दृष्ट में बाहर से नहीं दिखाई देगा, लेकिन लंबे समय तक रहते रहते जो अंदर संस्कार पड़ता है वो, और कर्माशय की दृष्टि से भी इस पर विचार किया जा सकता है। ये अदृष्ट फल वाले होते हैं, विशेष फल को देने वाले होते हैं। लेकिन फिर कईयों की ये इच्छा करती है ना कि नहीं पढ़ना ही तो है, वो तो हम वैसे ही पढ़ लेंगे, वैसे ही पढ़ लेंगे, पुस्तक से ही पढ़ लेंगे, सुन के ही पढ़ लेंगे, ऐसे ऋषि उद्यान में बिना नियम के रहते हुए भी पढ़ लेंगे, वो गुरुकुलवास नहीं है। हरेश्वर जी, वो तो आश्रम में वास है, ठीक है। एक गुरुकुल में वास होता है, वो उसमें अनुशासन होता है, उसमें बड़ा नियम में रहना पड़ता है, लगता है कि जैसे कुछ बंध गया हो, कुछ हमारा बंधे बंधे चल रहे हैं, दूसरों के अनुसार चल रहे हैं, ऐसा जोर पड़ता है ना। तभी एक आए थे तो पहले तो बहुत समय गुरुकुलों में रहे बचपन से, अब फिर गुरुकुल पढ़ने की तो इच्छा करती है, लेकिन आकर के क्या बोल हुए, नहीं जी मेरे को तो जाना है फिर से। क्या हो गया, बोले जिंदगी भर ऐसे ही नियमों में चलता रहूंगा क्या भाई। इसी साल की बात है, अपने ही गुरुकुल की बात है, बोले मैं ऐसे ही चलता रहूंगा क्या, जबकि छोड़ के चले गए थे, फिर आए तो अपने आप आए, बुलाया नहीं था, और आए थे तो भाई विद्यार्थी के रूप में आए तो नियम तो वही लगने हैं जो सबके लिए है, अलग से क्या होगा।
पर जैसे ही उनको कहा कि भाई आप बाल कटवाओ, या आपने कटवाए नहीं, कई दिनों के बाल नहीं कटवाए, कई दिन हो गए दिनचर्या में नहीं चल रहे, तो टोकना ही था उनको भी, आपने बाल नहीं कटवाए, पूछा। तो बोले मैं हमेशा ऐसे ही चलता रहूंगा क्या, मैं ऐसे नहीं रह सकता, छोड़ के चले गए। तो गुरुकुल में रहना, अनुशासन में रहना, ये किसी स्थिति में जाकर के एकदम असह्य हो जाएगा किसी को, हर व्यक्ति नहीं रह सकता। और कई बार हमारे को विद्या का लाभ है, लोभ है कि हाँ विद्या पढ़े, या हमारे को अनुकूलता है, खाने पीने को मिल रहा है, व्यवस्थाएं, इसलिए भी इन चीजों को नजरअंदाज कर देता है व्यक्ति की, अनुशासन है, नियम है, नहीं तो बंधन में कौन रहना चाहता है, स्वतंत्र ही रहना चाहते हैं। तो गुरुकुल का वास भी ये अदृष्ट का कारण है, ये पुण्य को देता है, अदृष्ट फल के लिए भी है, जितना दिखता है उतना ही नहीं, उससे अधिक फल है इसका। आगे देखिए, इत्येतानि कर्माणि ब्रह्मचारिणो अतृष्ट फलाय। यहां तक जो इन्होंने किया ये अब ब्रह्मचर्य के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए किया है वर्णन की, जो इन्होंने किया यानी अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग बांट करके कर रहे हैं। वैसे सब पे लगेगा ये, मुख्य रूप से ब्रह्मचारियों पे लगा। आगे है वानप्रस्थ, उसको कहा वानप्रस्थ सेवनम वानप्रस्थाश्रमिण, वानप्रस्थाश्रम में जो रहते हैं उनके लिए होगा। अब इसमें एक प्रश्न आ जाता है ना, जो हमारी चर्चा भी चल रही है अभी, बोले वानप्रस्थी बने, भाई वानप्रस्थी बन करके भी स्वाध्याय तो करना है, वो तो हम घर पे भी कर लेंगे, पीले कपड़े पहनते हैं तो पीले कपड़े भी पहन लेंगे हम। लेकिन वानप्रस्थ मतलब शब्द ही वो बात को कह, उस बात को कहता है कि वन की तरफ वो प्रस्थान करता है, वन में रहता है, एकांत में रहता है, उसका अपना अदृष्ट फल है ये। इतना ही नहीं है जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है उतने को हम सोचेंगे तब तो बिना उसके भी काम चलाना चाहेंगे, वैसे ही कहीं भी रह लेंगे, किसी भी तरह रह लेंगे, और एक दृष्टि से हमें उचित भी लगता है कि भाई योग्यता ही तो बनानी है, वो कैसे भी बना लो, कहीं भी बना लो, पर उसमें कहीं ना कहीं हम रास्ता निकालते हैं अपने लिए, कुछ ना कुछ गली होती है, कुछ ना कुछ समस्या होती है, उससे बचने के लिए ऐसा प्रयोग करते हैं इन सब बातों का। तो ये वानप्रस्थ को भी इन्होंने अदृष्ट फल वाला कहा है, दिखाई नहीं देगा इसका क्या लाभ है, लेकिन होगा उसका बहुत लाभ। तो वानप्रस्थ सेवनम वानप्रस्थ आश्रमिना, अब गृहस्थियों के लिए है यज्ञ दाने, यज्ञ और यज्ञ दान प्रोक्षणम, प्रोक्षण को इन्होंने कहा वृह्यादीनाम धान्यानाम आम्रादीनाम वृक्षाणाम च सिंचनम। अब प्रोक्षण का मतलब इन्होंने ब्रह्मणि जी ने इस तरह से अर्थ किया कि जैसे व्रीही आदि चावल होते हैं, आम के पेड़ होते हैं, उसमें सिंचन करते हैं ना, अभिषेचन जल जो देते हैं, अब इतने पेड़ हैं उनमें जल सेचना, बोले क्या करेंगे हम, जो कई बार होता है कहते हैं कि आजकल तो खैर जल्दी फल आ जाते हैं, लेकिन पहले देर से फल आते थे बहुत, जैसे आम का पेड़ है और बो रहा है 60 साल का 80 साल का वृद्ध व्यक्ति आम बो रहा है, बोले कि किस लिए बो रहा, बोले आपको तो फल खाने को मिलेंगे नहीं, फिर भी पानी दे रहा है, फिर भी सींच रहा है, क्यों सींच रहा है वो, उसको तो फल खाने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसे जो कर्म होते हैं अभिषेचन आदि जो भी इस तरह के हैं, वो अदृष्ट के लिए फल देते हैं, जिसने किया है उसी को फल मिलेगा। हम ये नहीं देख सकते कि आम के फल ही हैं इसके, आम का फल नहीं, आम का फल तो ठीक है अगली पीढ़ी खाएगी, वो तो मर जाएगा, लेकिन ये जो इसने कर्म किया है उसका फल तो उसको प्राप्त होगा अदृष्ट के रूप में, उसने जो अपना कर्म किया है वो उसी के साथ में जाएगा। तो ये प्रोक्षण व्रीही आदि का हो गया। आगे देखिए, दिग उपयोग, दिशाओं का उपयोग करना, जैसे पूर्वाभिमुखोपवेशनाथ कर्मणि, पूर्व की तरफ मुख करके बैठना है, मान लो संध्या के लिए कहा गया कि पूर्व की तरफ मुख होना चाहिए, प्रातःकाल सायंकाल पश्चिम की तरफ होना चाहिए, यज्ञ में आहुति दे रहे हैं भाई पूर्वाभिमुख है, बोले दिशाओं का क्या फल है, बोले चाहे इधर से दो चाहे इधर से दो, आहुति तो उतनी ही गिरनी है, आहुति तो वैसे ही दी जानी है, दिशाओं का क्यों प्रयोग किया, अतृष्ट फल होता है, हमारे को यूं दिखाई नहीं दे रहा है, हम थोड़ी बहुत संगति लगाते हैं कि भाई कुछ प्रयोजन दृष्टि भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बिना दृष्टि के प्रीति नहीं होती है लोगों को, विज्ञान को इसलिए तो मानते हैं कि दृष्ट फल दिखा देता है, वो प्रत्यक्ष दिखा देता है, इसलिए तो विज्ञान को अधिक मानते हैं, एकदम स्वीकार्य हो जाता है, तो हर कोई पूछना चाहता है कि यहाँ क्या दृष्ट फल है, लेकिन इन बहुत सारी चीजों का दृष्ट फल नहीं होता, वो अदृष्ट फल के लिए भी होते हैं। तो ये दिशाओं का प्रयोग ये भी अदृष्ट फल के लिए हो गया। नक्षत्रोपयोगो नामकरण आदि संस्कार, नक्षत्र का प्रयोग करना, जो नामकरण संस्कार में जैसे अलग अलग नक्षत्र में अलग अलग उल्लेख किया हुआ है ना, महर्षि दयानंद ने भी किया हुआ है, इसी तरह कुछ कार्य होते हैं विभिन्न विभिन्न नक्षत्रों में, जहां शास्त्र में कहें उन नक्षत्रों का भी कुछ कुछ अपना अदृष्ट फल होता है, दिखाई दे या ना दे। मंत्रों, मंत्र जप, मंत्र का मतलब है मंत्र का
जप करना। मंत्र को जप करते हैं, बोले कोई फल तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पर। धियो यो न प्रचोदया, धियो यो न प्रचोदया, ओम भूर्भुवस्व। बोले जी सूत्र तो मेरे को वैसे ही ज़्यादा याद नहीं हुए, वैसे ही होते हैं, अथवा और भी इसी तरह से लग सकता है। तो मंत्रों के जप का भी कुछ जो प्रयोजन आता है वो अदृष्ट के लिए होगा। काल अलग अलग समय का, जैसे वसंत आदि दीक्षायाम इति गृहस्थ कर्मणि, वसंत आदि ऋतु में दीक्षा का ग्रहण करना, कुछ कर्मों के लिए अलग अलग कालों का कथन किया गया है। तो जैसे कि कर्मकांड के अंतर्गत भी आता है, जब अग्नियाधान करते हैं उसके लिए काल क्या है कि ब्राह्मण को वसंत ऋतु में अग्नि का आधान करना चाहिए, क्षत्रिय को ग्रीष्म ऋतु में करना चाहिए, वैश्य को उसके बाद में इन वर्षा के बाद शरद ऋतु में करना चाहिए। ऐसे मान लो ये काल का निर्धारण किया गया। नहीं, काल का निर्धारण क्यों किया गया? यूं तो कोई प्रयोजन दिखाई नहीं दे रहा है। तो बोले ऐसा जहां प्रयोजन नहीं दिखाई दे रहा है वहां अदृष्ट के लिए समझना चाहिए। कर्मकांड में भी कहीं भी अदृष्ट का मतलब कर्माशय के रूप में लिया जाता है, कुछ ना कुछ अतिरिक्त चीज होगी जो अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो वसंत आदिर दीक्षायाम इति गृहस्थ कर्मणि, ये गृहस्थ के हो गए। फिर कहा नियमाः शौच संतोषादाय पंच संन्यासिनः कर्माणि, ये जो नियमाश्च करके कहा है इसको इन्होंने संन्यास में बांट दिया कि बाकी तो सब पे ही लगेंगी ये चीजें, कि शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आदि ये जो पांच हैं ये नियम कर्म जो हैं। चकारेण अवशिष्टानि योगांगानि समाधि पर्यंतानि कर्माणि मुमुक्षूणां सन्ति, और चकार से बाकी सबको भी ले लिया, यमों के बाद में नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि मुमुक्षों के लिए। तो तानी एतानि खलु अदृष्ट फलाय, अदृष्ट फल के लिए होते हैं, अर्थात चिरेण अस्मिन् जन्मनि चिरतरेण वा परजन्मनि चिरतमेन वा जन्मोपरमे अपवर्गे मोक्षे। तो देर से यानी इस जन्म में देर से, चिरतरेण का मतलब है अगले जन्मों में कभी, और चिरतमेन का मतलब है जन्म सब समाप्त हो जाते हैं तो मुक्ति में इनके फल होते हैं। तो दृष्ट और अदृष्ट में से जब दृष्ट फल नहीं हो तो अदृष्ट के लिए वो।